दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा स्वतंत्र मुझे मेरी धरती मुझसे पूछ रही मेरी धरती मुझसे पूछ रही तब मेरा कर्ज चुकाओगे मेरा अंदर मुझसे पूछ रहा तब अपना फर्ज निभाओगे मेरा वचन है भारत माँ को मेरा वचन है भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं दोष नहीं मिटने दूंगा मैं दोष नहीं झुकने दूंगा आदरणीय उपस्थित अतिथिगण शिक्षक गण और तमाम श्रोता गणों को गणतंत्र दिवस की 71वीं जयंती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ 26 जनवरी को भारत के संविधान की रचना इस उद्देश्य से की गई कि व्यक्ति स्वयं से स्वयं को अनुशासित कर सके हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि सर्वप्रथम दूसरे के अधिकारों की रक्षा हो सही मायने में हम अपने संविधान को पूर्णता प्रदान करता हुए भारत का संविधान हमें ये कहता है कि पर पीड़ा से हमारा हृदय दरित हो हमारे शरीर के रोम रोम से उसमें धारा बने हमारे पद श्रेष्ठ हो भले ही उस श्रेष्ठता को पाने में कमतर हो देश प्रेम की भावना से उनके हजारों की संख्या में भारत माता के वीर सपूतों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था ऐसे ही महान देशभक्तों के इतिहास और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश गणतांत्रिक देश हो सका दोस्तों जब अंग्रेज सरकार की मंशा भारत को स्वतंत्र उपदेश बनाने को नजर नहीं आ रही थी तभी 26 जनवरी 1920 को दावर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ दी गई पूर्ण स्वराज के अभियान को पूरा करने के लिए सभी आंदोलन तेज कर दिए गए थे एकता में बलह की भावना को चिंता सभी विचारधारा को अंग्रेजों के पीछे हटना करा अंतर जब 1947 को भारत आजाद हुआ और तभी यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाएगा और वास्तव में भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना भारत के संविधान विकृत एवं दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे भारतीय संविधान के वास्तुकार भारत रत्न से अलंकृत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कार्य समिति के अध्यक्ष थे 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे दुखदायी घटना थी यही वो घटना थी जिसने भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया हम सब मिलकर के उन सभी अमर बलिदानियों को अपनी भावांजलि से नमन करें वंदन करें और अपने नेक कार्यों के द्वारा भारत माता को गौरवान्वित करें आज के दिन भारत की ऊर्जा में प्रकाश करने से जन्म होता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का पूर्ण स्वराज का आज के दिन हमें कसम खानी होगी चाहे कुछ भी हो जाए लोकतंत्र के मंदिर के कलश के शिखर को उत्तम शिखर पर ले जाना ही होगा गणतंत्र की सफलता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने और उसे जन्मोत्कर्ष पर पहुंचाने का दृढ़ संकल्प है और मन में बस यही भाव रखे कि इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है हमारे देश का बच्चा बच्ची बना देश सेनानी है जाति पाति भाषा और विद्वेष का बीज कनकने न देंगे अभी निराधारों पर देश को पकने न देंगे एकता के शतरंग से सजाएंगे संसार को गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को उपहार देंगे राष्ट्र को जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद